नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम 5 साल का नो फैप चैलेंज लेते हैं, यानी ब्रह्मचर्य में रहकर यदि हम अपने वीर को नष्ट होने से बचा लेते हैं, तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चेंजमेंट हमको अपने अंदर नज़र आती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, जो व्यक्ति 5 साल का नो फैप चैलेंज लेता है और हर हाल में यदि अपने इस चैलेंज को कंप्लीट करता है, तो फिर ऐसे साधक का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति इस आनंदमय यात्रा में ऐसे ऐसे चेंजमेंट देखता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ऐसा साधक आम इंसान नहीं रह जाता। उसके अंदर दैवीय गुण 5 साल ब्रह्मचर्य के पालन से उसके अंदर आने लगते हैं। ऐसा साधक आनंद के सागर में डूब जाता है। इस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं, जीव गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हवे सुजान। अर्थात जैसे एक गूंगे व्यक्ति के इशारे को एक गूंगा व्यक्ति ही समझ सकता है, उसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, तो आज से ही ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कमर कस के उठो। बस एक बार वासनाओं से ऊपर उठ कर के ब्रह्मचर्य में आकर के तो देखो, आपका जीवन आनंदमय न बन जाए तो कहना। बहुत से साधक साधिकाओं को ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही दुष्कर लगता है, क्योंकि उनका मन नहीं चाहता कि वह ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले, क्योंकि हमारे मन ने यह मान लिया है कि भोगों में ही असली सुख है। मन सिर्फ क्षणिक सुख के लिए जीवन पर्यंत हमसे पाप करवाता रहता है, और जब हमारा अंत समय आता है तो हम बहुत पछताते हैं। उस समय हमारा रोम रोम दर्द करता है, हिलने तक की सामर्थ्य को हम वृद्धावस्था में खो देते हैं। उस समय व्यक्ति को बहुत पछतावा होता है कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी आप जवान हो, इसीलिए ब्रह्मचर्य नाश का जाना प्रभाव आपको नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति नष्ट होगी, वैसे वैसे आपको आभास होने लगेगा। जब तक दिए में तेल है, तभी तक दिया प्रकाश देता है, और जब तेल खत्म हो जाता है तो प्रकाश दूर हो जाता है। इसीलिए यदि आप अपनी दुर्दशा नहीं देखना चाहते हो, तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब हम अपने वीर को सिर्फ क्षणिक सुख के लिए नष्ट करते हैं, तो इसका हमें बहुत पाप लगता है। इसीलिए गोरखनाथ जी ने भी कहा है कि वीर की एक बूंद में जीव वसे नवलाख, मन मरोर नारी तज यह गोरख की साख। वीर की एक बूंद में 9 लाख जीव होते हैं, एक बूंद के नाश से असंख्य जीवों की हत्या हो जाती है। अब आप लोग खुद समझदार हो कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की। दोस्तों, बिना त्याग के ब्रह्मचर्य का पालन असंभव है। अगर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो त्याग करना अनिवार्य है। आपको ये लग रहा होगा कि 5 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन है, लेकिन पहले गुरुकुलों में हर व्यक्ति 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करता था, और उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम को अपनाता था। अगर आप 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो यह तपस्या आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका फल आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। जब हम 5 साल तक ब्रह्मचर्य में रह लेते हैं, तो इससे हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत और कठोर हो जाता है। फिर ऐसे साधक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। जो इंसान 5 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है, तो उसकी शारीरिक शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। वो जहाँ जाएगा, हजारों की भीड़ में सबसे अलग दिखेगा, सबसे बेहतर दिखेगा। हर इंसान उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शक्ति, उसका तेज ऐसा होगा जिसे देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसे इंसान का दिमाग पहले के मुकाबले 100 गुना तेज काम करने लगता है।
फिर ऐसा व्यक्ति यदि किसी पुस्तक को पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद भूलता नहीं है, फिर उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह फास्ट काम करता है। फिर ऐसा साधक कोई भी चीज़ रखकर जल्दी भूलता नहीं है। इसीलिए यदि आप एक स्टूडेंट हो तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ, इससे आपकी मेधा शक्ति मजबूत हो जाएगी। 5 साल ब्रह्मचर्य की कठोर तपस्या आपको निरोग मन और निरोग काया देगी। अगर आपने 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपका शरीर ऊर्जावान बन जाएगा और आपका शरीर दूसरे इंसानों की तुलना में काफ़ी बेहतर काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, खुद को शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना ही असली स्वास्थ्य है। जिस व्यक्ति ने लगातार 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। उसका मन, उसकी बुद्धि दूसरे इंसानों की तुलना में ज़्यादा बलवान होते हैं, ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ऐसा इंसान आपको मायूस और उदास नहीं दिखेगा, वो हमेशा आपको ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। फिर ऐसा व्यक्ति घंटों परिश्रम के बाद भी थकता नहीं है, उसके शरीर की शारीरिक क्षमता का विकास हो जाता है। आजकल के युवाओं के समय से पहले ही बाल अपना कलर छोड़ देते हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे में आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपके बाल पहले के जैसे हो जाएंगे। 5 साल के ब्रह्मचर्य की शक्ति से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी उसके पैर डगमगाते नहीं हैं तथा सभी विपत्तियों का सामना वह वीरतापूर्वक कर लेता है। जिस वीर को हम क्षणिक सुख के लिए नष्ट कर देते हैं, जब हम उसका रक्षण करते हैं तो उसकी महत्ता हमारे सामने आ जाती है। हम जान जाते हैं कि असली सुख वीरवान बनने में है या वीरहीन बनने में। वीरवान बनने से हम सुख और दुख को आसानी से सहन कर जाते हैं व अपने दुख को हम हंसते हंसते सह लेते हैं। जिस प्रकार समुद्र में कई नदियों का आना होता है लेकिन समुद्र का जल स्तर वही रहता है, ऐसी ही स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। वो दुख को नदियों की भांति ही अपने अंदर समेट लेता है और पहले की तरह ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ही संभव है। 5 साल ब्रह्मचर्य से हमारा मन और अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अपने आप का भान हमको होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तथा मरने के बाद ब्रह्मचारी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना एक भक्ति है। और जो काम की तरंग को बार बार आप सहते हो और फिर भी इस मार्ग से आगे बढ़ते हो, वही असली महात्मा है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। जो इस चलन को सहता है वही तपस्वी है। मित्रों, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को युवाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह जागरूक हो सकें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जय श्री राम।